यो वी विल डिस्कस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898। हमारे पास आ जाता है कि ट्रायल बिफोर हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन। अब क्रिमिनल केसेस में हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल जो है ये किस तरह कंडक्ट किया जाता है, इसकी रेलेवेंट प्रोविजन हमारे पास आ जाती है चैप्टर 22A एंड सेक्शन 265A एंड 265N तक। सबसे पहले 265A है, इसमें वो कहता है कि ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यहाँ पे वो कहता है कि जितने भी केसेस हैं जो कि पुलिस रिपोर्ट के ऊपर इनिशिएट किए जाते हैं बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन, तो इसमें प्रोसिक्यूशन जो है ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्ट करता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है ये केस को स्टार्ट करता है बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन जो कि पुलिस रिपोर्ट पे इनिशिएट होते हैं। अब यहाँ पे 265B है, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि प्रोसीजर ऐसे क्या है ऐसे केसेस में जो कि हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन जो है जिनको ट्राई करती है, दे आर एक्सक्लूसिवली ट्राइएबल बाय हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन। तो वो कहते हैं कि फॉलोइंग प्रोसीजर शैल बी ऑब्जर्व बाय हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन इन द ट्रायल ऑफ द केसेस ट्राइएबल बाय द सेट कोर्ट। तो वो प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले 265C हमारे पास आ जाता है कि जितने भी स्टेटमेंट्स हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं वो सप्लाई किए जाते हैं एक्यूज पर्सन को। इसमें वो कहते हैं कि ऐसे तमाम केसेस जो कि पुलिस रिपोर्ट के ऊपर इनिशिएट होते हैं, इसमें कॉपीज जो है डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन एक्यूज पर्सन को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं ट्रायल स्टार्ट होने के 7 दिन के अंदर अंदर। अब ये कौन सी कॉपीज हैं जो एक्यूज पर्सन को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं, पहली हमारे पास आ जाती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR की कॉपी, दूसरी हमारे पास आ जाती है पुलिस रिपोर्ट 173 का जो चालान है उसकी कॉपी, तीसरी हमारे पास आ जाती है स्टेटमेंट ऑफ ऑल विटनेसेस रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 एंड 164 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तमाम गवाहों के बयान 161 और 164 के जो बयान हैं उनकी कॉपी। फिर हमारे पास आ जाता है कि इंस्पेक्शन नोट जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब पहली दफ़ा प्लेस ऑफ अकरेंस जो है जाए वकुआ का मुआयना करता है उसको विजिट करता है तो फिर वो इंस्पेक्शन नोट जो है वो रिकॉर्ड करवाता है तो उसकी कॉपी आ जाती है। फिर हमारे पास आ जाता है कि जितने भी रिकवरीज जो है वो अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कोई रिकवरीज की हैं तो उनके बारे में वो नोट जो है वो रिकॉर्ड करवाता है उसकी कॉपी। तो यहाँ पे रिकवरीज के फर्द मकबूजगी की कॉपी और जाए वकुआ के जो भी वो नक्शा बनाता है या मुआयना करता है उसकी कॉपी। इसमें वो कहते हैं कि अगर कोई 161 या 64 का बयान ऐसा है जिसमें लगता है कि अगर उसका ये कोई भी ऐसा पार्ट ये एक्यूज को डिस्क्लोज किया गया तो ये आगे चलकर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए मौजूद नहीं होगा, तो फिर वो पार्ट वहाँ से उस स्टेटमेंट से निकाल के बाकी तमाम की कॉपीज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट एक्यूज़ को दी जाती हैं। फिर वो कहते हैं कि ऐसे तमाम केसेस जो कंप्लेन पे इनिशिएट इंस्टीट्यूट होते हैं तो उसमें वो कहता है जो कंप्लेनेंट है वो अपनी कंप्लेन की पिटिशन जो है उसमें सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन वो बताएगा, फिर गवाहों के नाम बताएगा, जो एविडेंस उसने प्रोड्यूस करनी है वो बताएगा और उसके अलावा वो कहता है कि 3 दिन के अंदर कोर्ट का ऑर्डर जो 200 अंडर सेक्शन 204 फॉर द इशू ऑफ प्रोसेस टू द एक्यूज होता है कोर्ट में फाइल करेगा कंप्लेनेंट के एक्यूज पर्सन को कंप्लेन की और उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स अटैच हैं उसकी कॉपीज दी जाएं और फिर उतनी कॉपीज दी जाएं जितने के एक्यूज हैं, अगर एक से ज़्यादा एक्यूज पर्सन है तो उन सबको वो कॉपीज प्रोवाइड की जाएंगी। आगे वो कहते हैं कि तमाम कंप्लेन की कॉपीज फिर जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए कंप्लेन के साथ अटैच हैं वो फिर उसके बाद अंडर सेक्शन 200 और सेक्शन 202 के तहत जो स्टेटमेंट्स हैं जिसमें एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेन आ जाती है और पोस्टमार्टमेंट ऑफ इशू प्रोसेस आ जाता है तो उन सब की कॉपीज जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एक्यूज पर्सन को ट्रायल स्टार्ट होने के 7 दिन के अंदर अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। आगे हमारे पास आ जाता है 265D, इसमें वो कहता है कि चार्ज का फ्रेम होता है। अब ये कहता है कि जो कोर्ट है जब पुलिस रिपोर्ट या कोई भी कंप्लेन आती है उस पर केस इंस्टीट्यूट होता है तो उसको अच्छी तरह पढ़ने के बाद गौर से पढ़ने के बाद और जितने डॉक्यूमेंट्स उनके साथ अटैच होते हैं या स्टेटमेंट्स जो है प्रोसिक्यूशन फाइल करती है उसके साथ तो उनको पढ़ने के बाद कोर्ट को अगर ये ओपिनियन है और कोर्ट को लगता है कि सफिशेंट ग्राउंड है कि एक्यूज का ट्रायल किया जाए तो फिर यहाँ पे क्या है कि कोर्ट जो है एक्यूज के अगेंस्ट चार्ज फ्रेम करती है।
अब सेक्शन 265 ई है, इसमें वो प्ली का है, वो कहते हैं कि चार्ज जो है ये जब फ्रेम किया जाता है तो उस वक्त ये एक्यूज पर्सन को पढ़कर सुनाया जाता है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है, उसको समझाया जाता है और फिर उससे पूछा जाता है कि आया वो गिल्टी प्लीड करता है या अपने जो ये एक्यूजेशन है, चार्ज है, इसको वो डिफेंड करेगा। तो अगर एक्यूज गिल्टी प्लीड करता है तो फिर कोर्ट जो है वो प्ली रिकॉर्ड कर लेती है और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है एक्यूज पर्सन को अपनी डिस्क्रिशन में कन्विक्ट करती है। लेकिन यहाँ पे 265 एफ में वो कहते हैं कि एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन, इसमें वो कहते हैं कि अगर एक्यूज पर्सन जो है वो गिल्टी प्लीड नहीं करता या फिर एक्यूज पर्सन जो है कोर्ट को लगता है अपनी डिस्क्रिशन में कि वो अगर वो गिल्टी प्लीड करता है लेकिन कोर्ट को लगता है कि उसको कन्विक्ट नहीं करना चाहिए बल्कि उसका ट्रायल करना चाहिए, तो फिर यहाँ पे क्या है, या फिर अगर कोई कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट मौजूद है तो उसको सुनेगी, उसके अलावा जितनी भी एविडेंस है उसकी सपोर्ट में जो प्रोसिक्यूशन प्रोड्यूस करती है उस एविडेंस को देखा जाएगा। इधर वो कहते हैं कि अगर कोर्ट जो है वो खुद कंप्लेंट कोर्ट ने इस्तगासा फाइल किया है तो फिर यहाँ पे कोर्ट क्या है, वो बाउंड नहीं है किसी भी कंप्लेनेंट को सुनने के लिए। फिर कोर्ट क्या करती है, ये सबसेक्शन 2 में कहता है, 265 एफ के सबसेक्शन 2 में कहता है कि कोर्ट जो है ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर से असरटेन करेगी या फिर कंप्लेनेंट है तो उससे क्या कि कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं उनके नामों के बारे में यकीन दहानी करेगी कि जो कि केस के फैक्ट को अच्छी तरह जानते हैं और वो आगे चलकर प्रोसिक्यूशन के लिए गवाही दे सकते हैं। तो फिर यहाँ पे कोर्ट क्या करेगी कि उन सब पर्सन्स को समन करेगी कि वो आए और आकर कोर्ट में गवाही दें। अगर कोई कोर्ट को लगता है कि कोई ऐसे विटनेसेस हैं जिनको बुलाने से जो क्या है कि केस को फॉर द पर्पस ऑफ वेक्सेशन डिले और डिफीटिंग द एंड्स ऑफ जस्टिस है, और कोर्ट की ओपिनियन है ऐसे गवाह जो हैं ये केस को डिले करेंगे या फिर उसके एंड्स ऑफ जस्टिस को डिफीट करेंगे, तो फिर कोर्ट यहाँ पे रिफ्यूज़ भी कर सकती है ऐसे तमाम गवाहों को समन करने में, से इनकार भी कर सकती है और उसका आगे कोर्ट जो है ये रिकॉर्ड करेगी तमाम चीज़ें इन राइटिंग। फिर वो कहता है कि जब विटनेसेस की एग्जामिन किया जाता है, जो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस हैं उनको एग्जामिन किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद एक्यूज़ को एग्जामिन किया जाता है तो एक्यूज़ जो है उससे पूछा जाएगा कि आया वो भी अपने डिफेंस में कोई एविडेंस देना चाहता है, कोई गवाह पेश करना चाहता है या नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे एक्यूज़ का जो भी उसकी स्टेटमेंट होगी, रिटर्न स्टेटमेंट होगी, उसको एक्यूज पर्सन जो है वो अपना जवाब जो है वो इन राइटिंग सबमिट कराएगा और कोर्ट जो है उसको रिकॉर्ड के साथ रखेगी। फिर एक्यूज़ अगर एक एक्यूज़ है या एक से ज़्यादा एक्यूज़ पर्सन्स हैं, वो कहते हैं कि हम अपनी एविडेंस प्रोड्यूस करना चाहते हैं या अपने डिफेंस में जो है वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं, अपने जो ये चार्ज है ये हम पे एलिगेशंस हैं इनको डिफेंड करने के लिए कोई गवाह पेश करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या है कि कोर्ट जो है ऐसी तमाम एक्यूज के जो विटनेसेस हैं उनके जो डिफेंस है उसको रिकॉर्ड करेगी, उसकी एविडेंस जो है उसको रिकॉर्ड करेगी। अगर एक्यूज पर्सन एक या एक से ज़्यादा एक्यूज पर्सन्स हैं, ठीक है, और वो अपने डिफेंस जो है उस वो लेते हैं और अपने और वो कहते हैं कि हम अपने गवाह पेश करना चाहते हैं या एविडेंस प्रोड्यूस करना चाहते हैं, अगर कोर्ट को लगता है कि ये विटनेसेस और ये एविडेंस जो है दिस इज़ ओनली मेड फॉर द पर्पस ऑफ वेक्सेशन और डिले और डिफीटिंग द एंड ऑफ जस्टिस, तो फिर यहाँ पे क्या करेगी कोर्ट के वो ग्राउंड जो हैं उनको रिकॉर्ड करेगी इन राइटिंग। फिर आगे हमारे पास आ जाता है 265 जी, समिंग अप बाय प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस। इसमें वो कहते हैं कि अब देखें जब भी क्रिमिनल केस होता है इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसिक्यूशन पे होता है, ठीक है, इसमें वो कहते हैं कि अगर ऐसे तमाम केसेस जिनमें एक्यूज पर्सन जो है एक या एक से ज़्यादा एक्यूज पर्सन है और वो अपनी एविडेंस जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है, गवाह जो हैं विटनेसेस जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं करते, तो फिर क्या है कि जब प्रोसिक्यूशन जो है वो अपना केस अपने गवाह पेश करेगी, उनके केस को क्लोज करेगी और फिर जो एक्यूज पर्सन है उसको एग्जामिन करने के बाद तो कोर्ट क्या करेगी कि प्रोसिक्यू
प्रोसिक्यूटर को कॉल करेगी कि वो आए आके अपना केस सम अप करे और उसके बाद जो एक्यूज है वो उसको रिप्लाई करेगा। और फिर उसके बाद वो कहता है कि ऐसे केसेस जहाँ पे एक्यूज जो है या फिर एक से ज़्यादा एक्यूज पर्सन जो हैं वो एविडेंस को प्रोड्यूस करते हैं या अपने डिफेंस में कोई विटनेसेस प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर कोर्ट क्या करेगी कि उन उसकी जो एविडेंस है उसको एग्जामिन करेगी, विटनेसेस को एग्जामिन करेगी और ऑन द क्लोज ऑफ डिफेंस केस एक्यूज पर्सन को कॉल करेगी कि आए और आके अपना केस जो है वो सम अप करे। तो इसमें फिर क्या है कि बाद में प्रोसिक्यूटर जो है वो उसका रिप्लाई देगा। अब बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूटर पे होता है, प्रोसिक्यूशन पे होता है कि वो अपना केस बियॉन्ड शैडो ऑफ डाउट केस जो है वो प्रूव करे। लेकिन अगर ऐसे केसेस आ जाते हैं जिनमें एक्यूज पर्सन जो है, ऐसे केसेस आ जाते हैं जिनमें एक्यूज पर्सन अपने एविडेंस प्रोड्यूस करता है, विटनेसेस प्रोड्यूस करता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ये शिफ्ट हो जाता है डिफेंस पे कि वो अपना केस प्रूव करे। और फिर यहाँ पे कोर्ट जो है बाद में आफ्टर समिंग अप बाय द एक्यूज पर्सन प्रोसिक्यूटर को रिप्लाई के लिए बुलाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 265H, इसमें वो कहता है कि एक्विटल और कन्विक्शन। इसमें वो कहते हैं कि ऐसा केसेस जिनमें चार्ज फ्रेम किया गया और कोर्ट फाइंड आउट करती है कि एक्यूज जो है वो गिल्टी नहीं है, तो फिर क्या है कि वो रिकॉर्ड करेगी ऑर्डर इन राइटिंग और इसमें जो एक्यूज पर्सन है उसको एक्विट कर देगी। लेकिन ऐसा केस जिसमें कोर्ट जो है ये फाइंड करती है कि एक्यूज पर्सन जो है ये गिल्टी है, तो फिर कोर्ट क्या करेगी कि उस पे उसे सेंटेंस पास करेगी अकॉर्डिंग टू हिज कन्विक्शन एंड अकॉर्डिंग टू लॉ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 265I। अब इसमें वो कहते हैं कि प्रोसीजर इन केस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन। अब वो कहते हैं कि ऐसे तमाम केसेस जिनमें प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में बाय रीज़न ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन एक्यूज पर्सन जो है उसको चार्ज किया जाता है अंडर सेक्शन 221 सबसेक्शन 7 के तहत, तो कोर्ट क्या है आफ्टर फाइंडिंग द एक्यूज पर्सन गिल्टी ऑफ द ऑफेंस चार्ज, तो उसकी जो कन्विक्शन है उसको रिकॉर्ड करेगी और फिर जो प्ली है एक्यूज जो लेता है उसके चार्ज के तहत तो वो उसको रिकॉर्ड करेगी। अगर एक्यूज पर्सन एडमिट करता है कि वो प्रीवियसली कन्विक्टेड है एज ए एलाइड इन चार्ज, तो कोर्ट क्या है कि उसको सजा देगी अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी उसकी बनती होगी, जो भी उसका क्राइम उसने कमिट किया होगा, ऑफेंस कमिट किया होगा उसके अकॉर्डिंग देगी। और अगर एक्यूज पर्सन एडमिट नहीं करता कि वो प्रीवियसली कन्विक्टेड है जो कि अलर्ज किया गया है चार्ज में, तो फिर यहाँ पे कोर्ट क्या करती है कि वो एविडेंस लेती है उसकी प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है जो रिकॉर्ड है जो फाइंडिंग है उसको रिकॉर्ड करेगी, जो भी फाइंडिंग उसको मिलती है उसको रिकॉर्ड करेगी और फिर क्या है कि सेंटेंस पास करेगी एक्यूज पर्सन पे अकॉर्डिंग टू लॉ। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि क्रिमिनल केसेस में जो प्रीवियस बैड करेक्टर होता है वो रेलेवेंट नहीं होता, ये चीज़ भी आ जाती है एविडेंस में। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास 265J आ जाता है, इसमें वो कहते हैं कि स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 एडमिसिबल। इसमें वो कहते हैं कि ऐसे तमाम स्टेटमेंट जिसमें विटनेसेस जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं अंडर सेक्शन 161, उनको रिकॉर्ड उनकी जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड किया जाता है 164 के तहत 164 के तहत जो विटनेसेस के स्टेटमेंट है उनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसमें वो कहता है कि इफ़ इट वाज मेड इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज पर्सन, तो फिर क्या यहाँ पे वो कहता है ही हैड नोटिस ऑफ इट एंड वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनिंग द विटनेस। यहाँ पे वो कहता है एक्यूज की प्रेजेंस में जो उसकी स्टेटमेंट है विटनेस की उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर एक्यूज पर्सन को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो इन विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन कर सके, ठीक है। उसके साथ क्या है कि अगर कोर्ट की डिस्क्रिशन में कोर्ट को लगता है कि ये विटनेस जो प्रोड्यूस किया गया और एग्जामिन किया गया है ये एज एन एविडेंस ट्रीट किया जाना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ द केस, तो फिर उसको अकॉर्डिंग टू डैट पर्पस उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, मतलब उसको एग्जामिन किया जाएगा।
265 के जो है, 265 के, ये कहता है सेक्शन के पावर ऑफ कोर्ट टू एक्विट एक्यूज एट एनी स्टेज। यहाँ पे वो कहता है कि कोर्ट के पास ये पावर होती है कि किसी भी एक्यूज पर्सन को किसी भी स्टेज पे, अगर कोर्ट को लगता है आफ्टर हियरिंग द प्रोसिक्यूटर और एक्यूज कि कोई ऐसी रीजंस हैं, सूटेबल रीजंस हैं, उनको रिकॉर्ड करते हुए कोर्ट को लगता है कि कोई भी ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि एक्यूज को कन्विक्ट किया जाना चाहिए, तो फिर यहाँ पे क्या है कि एक्यूज पर्सन को एक्विट कर दिया जाएगा, कोर्ट उसको बरी कर देगी जो भी उसके अगेंस्ट एलिगेशंस हैं उससे। अब यहाँ पे वो कहते हैं 265L है हमारे पास, पावर ऑफ एडवोकेट जनरल टू स्टे प्रोसिक्यूशन। कहते हैं कि किसी भी स्टेज पे जब हाई कोर्ट के सामने ट्रायल हो कंडक्ट किया जा रहा हो, तो किसी भी स्टेज पे सज़ा होने से पहले पहले जो एडवोकेट जनरल है, अगर उसे लगता है उसकी ओपिनियन है, तो वो कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट के ही विल नॉट प्रोसिक्यूट द एक्यूज अपॉन द चार्ज। तो फिर यहाँ पे क्या है कि एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग है उसको स्टे कर दिया जाएगा, और यहाँ पे जो ही शैल बी डिस्चार्ज ऑफ फ्रॉम द सेम। लेकिन यहाँ पे ये बात नोट करनी चाहिए कि जो डिस्चार्ज, यहाँ पे जो उसको डिस्चार्ज किया जाएगा एक्यूज पर्सन को, तो यहाँ पे उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उसको एक्विट किया गया है। जो एक्विटल है वो प्रिजाइडिंग जज जो है उसकी डायरेक्शन पे, उसके ऑर्डर पे हो सकता है। जो एडवोकेट जनरल है वो सिर्फ प्रोसिक्यूशन जो है उसको स्टे कर सकता है किसी भी स्टेज पे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 265M, टाइम ऑफ होल्डिंग सिटिंग। अब इसमें वो कहते हैं कि फॉर द एक्सरसाइज ऑफ ओरिजिनल क्रिमिनल ज्यूरिस्डिक्शन एवरी हाई कोर्ट शैल होल्ड सिटिंग ऑन सच डेज एंड एट सच कन्वीनियंट इंटरवल्स, जैसे कि चीफ जस्टिस उस कोर्ट का टाइम टू टाइम अपॉइंट करता है। फिर 265N है हमारे पास, 265N सेक्शन जो है ये कहता है कि प्लेस ऑफ होल्डिंग सिटिंग। इसमें वो कहता है कि हाई कोर्ट जो है वो शैल होल्ड सिटिंग एट अ प्लेस एट विच इट हेल्ड देम इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ लॉ रिफॉर्म। यहाँ पे वो कहता है कि हाई कोर्ट की जो सिटिंग के बारे में ये बताता है, हाई कोर्ट जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम विद द कंसेंट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट होल्ड सिटिंग एट सच अदर प्लेसेस विद इन द लोकल लिमिट ऑफ इट्स अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन एज हाई कोर्ट अपॉइंट। आगे वो कहते हैं कि सच ऑफिसर एज द चीफ जस्टिस डायरेक्ट शैल गिव प्रायर नोटिस इन द ऑफिशियल गजट। हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट। सो दिस इज एंड ऑफ माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।